सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर फ्रेंड्स मिल चुका है। फ्रेंड्स, आप सभी का 2023 में अर्धवार्षिक परीक्षा जो इस समय चल रहा है, इसका ये वायरल पेपर है। इस पेपर का संपूर्ण हल देख के आप अर्धवार्षिक परीक्षा देने जाएं, यही पेपर प्रत्येक स्कूल में पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स, देखिए, सामाजिक विज्ञान का जो आपका पेपर मिलेगा उसका जो पूर्णांक टोटल 70 नंबर का है और इसमें जो समय मिल रहा है आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। फ्रेंड्स, देखिए नोट में क्या लिखा है कि इसमें खंड क और खंड ख है। खंड क में 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न और खंड ख में 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम खंड क के सभी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो वायरल हो चुका है इस प्रश्न पत्र का पूरा हल दिखाएंगे आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, खंड क जो बहुविकल्पी प्रश्न है कितना है, 20 अंक का है। ठीक है, 20 नंबर का है। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका क्या है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप बहुविकल्पी प्रश्न हल किया करें तो पहले ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के ही आंसर दीजिएगा। राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ, तो ऑप्शन जर्मनी से हुआ था आपका, कि इटली से, या फ्रांस है, या इंग्लैंड से। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे आंसर जान सकते हैं इसका कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ जो सर्वप्रथम हुआ था आपका फ्रांस देश से हुआ था। तो इसका सही जवाब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, ये कई बार आपके पेपर में आ चुका है। कौन सा प्रश्न है फ्रेंड्स कि देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी जी। तो फ्रेंड्स देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। तो इसका सही जवाब वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर के क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन 1945 में हुआ था, 1920, 1942, या 1947। तो फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही जवाब अ वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्नों को आप फ्रेंड्स एक जगह नोट्स बना के लिख लीजिए, या बोर्ड के एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसमें भी यही सब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चौथा नंबर का देखिए फ्रेंड्स क्या है कि निम्न में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, या बॉक्साइट। देखिए फ्रेंड्स, संभावित संसाधन का मतलब होता है जो आपके भविष्य के लिए वो संसाधन के रूप में जो ऊर्जा यूज किया जाता है वो कौन सा ऊर्जा का संभावित है, मतलब संभावना किया जा रहा है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, कोयला का जो कोयला का प्रयोग हम पहले समय से ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे हैं, पेट्रोलियम का भी, और बॉक्साइट, ये सब जो आपका जो धातु है, ये धातु हो गया, जो पदार्थ हो गया, पहले से हम संसाधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन आपका वर्तमान समय में पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये संभावना है कि आगे फ्यूचर में सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाएगा। इसलिए संभावित संसाधन के अंतर्गत कौन सा आएगा, पवन ऊर्जा आएगा। तो इसका सही जवाब सवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 1882, 1920, 1922, या 1924। फ्रेंड्स यहाँ पे आप ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1885। यहाँ पे आप ऑप्शन 85 कर लीजिएगा ना, ऑप्शन यहाँ पे गलत है। इसका सही जवाब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कब स्थापना हुई थी, 1885 ईस्वी में। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है, गुलामगिरी लेखक कौन है, गुलामगिरी का लेखक कौन है। फ्रेंड्स ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, ज्योतिबा फूले है फ्रेंड्स, कैलाश वाशिनी देवी है, रामास्वामी नायकर हैं। तो गुलामगिरी जो है फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक जो हैं ज्योतिबा फूले जी हैं। तो इसका सही जवाब वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, सातवां नंबर का, जैविक संसाधन में निम्न में से कौन शामिल है। ऑप्शन है पशु आएंगे, वन आएंगे, मनुष्य आएंगे, या सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, जैविक संसाधन के अंतर्गत आपका पशु भी आता है, वन भी आता है, मनुष्य भी आता है, या सभी। इसका सही जवाब वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आठवां नंबर देखिए फ्रेंड्स, मृदा निम्न में से किस प्रकार का संसाधन है, जैव संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, नवीकरणीय योग्य संसाधन, या संभावित संसाधन। तो फ्रेंड्स, जो मृदा है आपका एक प्रकार का नवीकरणीय योग्य संसाधन है। इसका सही जवाब स वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आठवां का कौन सा जवाब सही हुआ, स वाला। ठीक है, अगला देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, मृदा से,
वन से, जल से या वायु से? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो चिपको आंदोलन है आपका वन से संबंधित है, तो इसका सही जवाब ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसे याद भी रखिएगा कि चिपको आंदोलन जो है आपका वन से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, विश्व जल की महासागर में कुल कितना मात्रा है, माने पूरे विश्व में जो जल है उसमें महासागर में कितना जल पाया जाता है? तो ऑप्शन है 96.5%, 94.6%, 93.6%, 92.8%। तो फ्रेंड्स देखिए, महासागर में टोटल जो जल पाया जाता है 97% पाया जाता है, तो इसके लगभग में कौन है? तो 96.5 आ रहा है, तो इसका सही जवाब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, भारत की संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? तो भारत की संघ सूची में फ्रेंड्स टोटल जो विषय दिए गए टोटल कितने हिस्से में है? 100 है, लेकिन 100 के करीब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो अ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 97, ठीक है। ये सभी प्रश्न जितने भी बता रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को एक जगह नोट्स बना के लिख लीजिएगा। ये 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में भी यही सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। अगला नंबर देखिए 12वां नंबर का, नेपाल में राजतंत्र की स्थापना कब हुई थी? सॉरी दोस्तों, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी, कब हुई थी? तो ऑप्शन पहले देखिए, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जब ऑप्शन देखेंगे तो 1990, 2014 में, 2008 में या 2015 में। तो नेपाल में फ्रेंड्स जो आपका राजतंत्र की, या देखिए पहले प्रश्न देख लीजिए एक बार, राजतंत्र कब समाप्त हुआ था, कब समाप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा कि नेपाल में जो राजतंत्र आपका समाप्त हुआ था कितना में समाप्त हुआ था? 2008 में समाप्त हुआ था। इसका सही जवाब सवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर देखिए फ्रेंड्स, श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? 1946 में, 1947, 1948 या 1949 में? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1948। श्रीलंका में कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था? तो 1948 में, ठीक है। अगला नंबर का फ्रेंड्स देखिए 14 नंबर का आपका क्या है कि वर्तमान में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है। फ्रेंड्स राज्यों की संख्या आप याद रखिएगा, राज्यों की संख्या टोटल कितने हैं? 28। भारत में वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या टोटल 8 है। इस प्रश्न का सही जवाब द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर का देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? आपको बताना है कि जहाँ पे संघात्मक शासन नहीं है वो कौन सा देश है? ऑप्शन है भारत है, श्रीलंका है, बेल्जियम है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका सही जवाब अ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संघात्मक शासन जो होता है फ्रेंड्स भारत देश में नहीं है। अगला है फ्रेंड्स कि मानव विकास सूचकांक के प्रमुख मापदंड क्या है, यानी किसको देखकर मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है निवल उपस्थित अनुपात साक्षरता दर को देखा जाता है, जीने की आयु या जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है, शिशु मृत्यु दर या प्रति व्यक्ति आय को देखा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन इसका द वाला करेक्ट हो जाएगा, इसमें सभी ऑप्शन करेक्ट हो गए। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है? ऑप्शन है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में या मध्य प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स साक्षरता दर का मतलब होता है कहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित हैं। तो फ्रेंड्स केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर साक्षरता दर सबसे अधिक पाई जाती है, इसका सही जवाब सवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर 18वां नंबर के देखिए फ्रेंड्स, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन है 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो फ्रेंड्स देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जो अधिनियम है आपका 2005 में लागू किया गया था, तो इसका सही जवाब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 19 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? अर्थव्यवस्था से कौन सा क्षेत्र शामिल है फ्रेंड्स प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत? ऑप्शन देखिए मछुआरा, शिक्षक, डाकिया या व्यापार। तो प्राथमिक क्षेत्र के जो अंतर्गत आता है वो मछुआरा होता है, जो मछली मारने या पकड़ने का काम करता है उसे मछुआरा कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका जैसे कृषि हो गया प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, मछुआरा सब जो होते हैं मछली पकड़ने वाले जो होते हैं वो सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसे आप याद रखिएगा। 20वां नंबर का देखिए, निम्न में से किसे प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है बेरोजगारी, अतिरोजगार, कारखाना या अल्प रोजगार। तो प्रचंड बेरोजगारी के अंतर्गत फ्रेंड्स आता है कृषि से, याद रखिएगा कृषि के अंतर्गत जो होता है प्रचंड बेरोजगारी आता है। और प्रचंड बेरोजगारी किस नाम से जानते हैं? अल्प रोजगार के नाम से जानते हैं। इसका सही ऑप्शन द वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स आपको लघु उत्तरी प्रश्न बताते हैं, इस प्रश्नों को आप पढ़ के जरूर जाइएगा।
पहला है कि पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, उसकी दो शर्तें लिखिए। चार नंबर का प्रश्न, इस प्रश्न को जरूर आप पढ़ के जाइएगा फ्रेंड्स, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए और हाफ ईयरली दोनों एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए, चिपको आंदोलन क्या है, चार नंबर का है। चिपको आंदोलन फ्रेंड्स आपको वन से संबंधित है, उसी के बारे में आपको लिखना है। तीसरा है, संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए, कितने नंबर का है, चार नंबर का है, इस प्रश्न को तैयार करके जाइए। भारतीय कृषि की विशेषता आपको लिखना है, चार नंबर का। विकसित देशों में आर्थिक क्रियाओं के महत्व का वर्णन करना है, यानी विकसित देश जो है उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में आपको बताना है, यह चार नंबर का है। फिर फ्रेंड्स देखिए, छः नंबर का प्रश्न स्टार्ट होता है जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। आपको पहला प्रश्न है कि जर्मन के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, छः नंबर का। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, उसे रोकने के उपाय का वर्णन कीजिए, छः नंबर का। ये भी प्रश्न आपके हैं। जैव विविधता क्या है या मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण, स्पष्ट कीजिए, छः नंबर का प्रश्न। इन प्रश्नों को तैयार करके जाइए। अल्प बेरोजगार किसे कहते हैं, अल्प बेरोजगार को दूर कैसे के लिए तरीके बताइए जिससे अतिरिक्त रोजगार का सृजन ना हो सके, सृजन हो सके, ठीक है, अतिरिक्त रोजगार का सृजन हो सके, छः नंबर का। ये सभी प्रश्न आपको तैयार करके ही जाना है फ्रेंड्स। अगला देखिए फ्रेंड्स क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आप तैयार अच्छे से करके जाइए। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने में कौन सी परिस्थितियाँ सहायक हुई, ये जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स आप सभी को बताएं, सभी पेपर का संपूर्ण हल करके आप अर्धवार्षिक परीक्षा देने जाएं और इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। ये 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और इस वीडियो को फ्रेंड्स अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें।